This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में छठे आरोपी को हरियाणा के फतेहाबाद से गिरफ्तार किया है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुशील मोदी का 13 मई को निधन हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत इंडिया की सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में हर महीने 8,500 यानी साल में 1,00,000 रुपए आएंगे। सीआरपीएफ और स्थानीय जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में अनंतनाग, शोपिया और कुलगाम सहित दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दो वाहनों की जोरदार भिड़ंत में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। काशी टोल प्लाजा पर दिल्ली से आ रही एक कार टोल मांगने पर टोल प्लाजा की महिला कर्मचारी से टकरा गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में सोमवार शाम आग लगने की घटना में एक होटल क्षतिग्रस्त हो गया। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बारिश के कारण इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हॉसोन मुख्य सड़क पर सड़कों पर पानी भर गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि सुशील कुमार मोदी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। उनका असामयिक निधन देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। मुंबई में आई धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। घाटों पर इलाके में होर्डिंग्स गिरने, अब तक 14 लोगों की मौत हुई है और 74 लोग घायल हुए हैं। मुंबई में कल आंधी और बारिश के दौरान होर्डिंग की घटना के बाद मुंबई की अन्य होर्डिंग को तत्काल हटाने का बीएमसी ने आदेश दिया है। शिरूर लोकसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र के अंदर कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी के एक उम्मीदवार और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब मैं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रभारी था तब मुझे सुशील मोदी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला था। वह मिलनसार और सुलझे हुए नेता थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता सांसद सुशील कुमार मोदी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। सुशील मोदी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराष्ट्र में मंगलवार 14 मई को भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जताया है। 14 मई को भी महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तो मिली जुली हुई, पर बाजार खुलते ही सेंसेक्स निफ्टी ऊंचाई के दायरे में आ गए हैं। सेंसेक्स 73,000 के ऊपर निकल गया है और निफ्टी 22,155 तक चढ़ गया है। जीटी और केकेआर के बीच आईपीएल 2024 का 63वां मैच भारी बारिश के कारण नहीं खेला जा सका। गुजरात अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन फिर भी शुभमन गिल और जीटी ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।